हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। सिनेमा ए टू जेड आज रिव्यू लेकर आया है के मैनन स्टारर मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5 का, जो 12 नवंबर से हॉट स्टार डिज्नी पर स्ट्रीम हो रही है। इस वेब सीरीज में 4 एपिसोड हैं, जिनमें लगभग 3 की ड्यूरेशन 50 मिनट के आसपास और 1 की ड्यूरेशन 30 मिनट के आसपास है। इसमें नीरज पांडे ने ये दिखाने की कोशिश की है कि आखिर हिम्मत सिंह बना कैसे। ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये बात तो साफ हो जाती है कि सरकारी एजेंसियों पर फिल्म बनाने में नीरज पांडे महारत हासिल कर चुके हैं। यहाँ मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप हिम्मत सिंह से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको स्पेशल ऑप सीजन 1 जरूर देखना चाहिए। सीजन 1 में 19 साल लंबा ऑपरेशन दिखाया गया है, जिसमें सभी उतार चढ़ाव और थ्रिल मौजूद हैं जो इस सब्जेक्ट की मांग थे। कहानी 2001 में संसद हमले से शुरू होती है, जिसमें 5 आतंकी होने की बात पता चलती है, मगर हिम्मत सिंह का मानना है कि वो 5 नहीं 6 लोग थे। छठा आतंकी पहले से ही वहाँ मौजूद था और जो पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। 19 साल बाद हिम्मत सिंह पर एक जांच बैठाई जाती है और उन पैसों का हिसाब पूछा जाता है जो इस मिशन पर खर्च हुए। सीजन 1 में आपको लंबे लंबे 8 एपिसोड के द्वारा फुल डिटेलिंग में सब कुछ दिखाया गया है। इस पूरी कहानी में आप हिम्मत सिंह से अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, मगर वास्तव में हिम्मत सिंह बना कैसे, ये आपको सीजन 1.5 में दिखाया गया है। इस सीजन की कहानी भी संसद हमले से ही स्टार्ट होती है। इस पूरी कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया गया है, जिसका नरेशन विनय पाठक द्वारा किया जाता है, जो कि दिल्ली पुलिस ऑफिसर अब्बास की भूमिका में है। ये कहानी 2003 के आसपास की है, जब हमारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स हनी ट्रैप में फंसकर अपने देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, और रॉ का ध्यान तो तब जाता है जब इन ऑफिशियल्स की अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है। बस फिर क्या, जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ता है और हिम्मत सिंह की वापसी होती है। इसमें कुछ नए किरदारों की भी एंट्री हुई है, जैसे हिम्मत सिंह के कॉलेज फ्रेंड और रॉ ऑफिसर की भूमिका में आफ्ताब सिद्धासानी ने विजय का रोल निभाया है, और एक्स रॉ एजेंट के रोल में आदिल खान ने मनिंदर सिंह का रोल निभाया है। मनिंदर कैसे और किसे अपने देश की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेचने वाले हैं, और उनका पाला हिम्मत और विजय से कैसे पड़ता है, हिम्मत सिंह की लव लाइफ का ट्विस्ट हो या उनकी फैमिली की हिस्ट्री, ये सब जानने के लिए आपको स्पेशल ऑप्स 1.5 देखना होगा। अगर इस वेब सीरीज के हम सकारात्मक पक्षों की बात करें तो के मैनन ने जिस तरह से हिम्मत सिंह की जवानी के रोल को निभाया है, जिसमें एग्रेशन और उनकी एनर्जी देखने वाली है, वो एक परफेक्ट रॉ एजेंट लगे हैं और सीजन 1 की तरह ही फुल ऑफ एक्सप्रेशन नजर आए हैं। के मैनन ने हिम्मत सिंह के किरदार को निभाया ही नहीं है, बल्कि जीवंत कर दिया है। सैल्यूट टू के मैनन सर। विजय और मनिंदर के रोल में आफ्ताब और आदिल दोनों ही फुल कॉन्फिडेंस में नजर आए हैं। आदिल खान के मैनन के सामने एक मजबूत विलेन लगे हैं, चाहे वो अभिनय की बात हो या उनकी आवाज़ की, दोनों ही देखने लायक है। नीरज पांडे ने इस वेब सीरीज के माध्यम से लेडीज स्पाई को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे वो हनी ट्रैप जैसे मुद्दे को काफ़ी बेहतर तरीके से शो कर पाए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना इस वेब सीरीज की तारीफ अधूरी सी लगेगी। ये स्टोरी जितनी इंगेजिंग है, उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक को भी उतना ही इंगेजिंग रखा गया है। पलक झपकते ही कोई भी चीज़ मिस हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक है। अगर आपने ये वेब सीरीज एक बार शुरू कर ली तो जब तक आप 4 एपिसोड खत्म नहीं कर लेंगे, तब तक उठने का मन नहीं करेगा। लोकेशंस और सिनेमेटोग्राफी दोनों ही बहुत ही बढ़िया हैं। कोलंबो, लंदन, मॉस्को, फकीव, ये कहानी आपको कई जगह ले जाएगी, वो भी फुल स्पीड में। अब हम बात करते हैं नकारात्मक पक्षों की। सीजन 1 की तुलना में इस सीजन में डिटेलिंग की कमी लगती है। किसी भी घटना को ऊपर ऊपर से ही दिखा दिया गया है, जिससे अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो आपको कनेक्ट करने में दिक्कत महसूस होगी। अगर हम एक्शन की बात करें तो इस सीजन में एक्शन भी थोड़ा कम लगा है, और जहां एक्शन दिखाया भी गया है वहां बस कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाता है। डायलॉग्स को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दिखाया गया है। कहानी पहले की है, इसलिए कुछ हिस्से पहले ही हम समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सिनेमा ए टू जेड अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो इन सब कमियों के बावजूद भी ये सीजन रोमांच और थ्रिल बनाकर रखता है। इंगेजिंग इतनी ज़्यादा है कि पलक झपकाना भी आप अवॉइड करेंगे। और हाँ, इसे देखने से पहले थोड़ा समय ज़रूर निकाल लें,
क्योंकि बीच में छोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। सिनेमा ए टू जेड के मैनन और नीरज पांडे की इस जबरदस्त वेब सीरीज को 4 स्टार देता है। 1 स्टार मैं इसकी कम डिटेलिंग और कम एक्शन के लिए कट कर रहा हूँ। इसे देखकर आप कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और हाँ, बेल जरूर प्रेस करनी है। जल्दी मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ। थैंक यू।